भीड़ जो है वो मेरा कोई खरीदा हुआ बुलाया हुआ भाड़े पर आए हुए लोग नहीं थे, सब लोग लोकल समाज के, बाजार के और नगर पालिका के ही थे। जनता से नम्र निवेदन है कि हम लोग दलाल परिवार से नहीं हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं और समाज की सेवा करेंगे। इसलिए लोगों को पहचानिए, धर्म जाति मजहब पर, ऊंच पर नीच पर, पैसे पर नहीं जाइए और रक्सौल के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए रिश्का मस्करा का सहयोग करके उनको भारी बहुत से जिताने का काम कीजिए। मैं आपके माध्यम से तमाम रक्सौल की जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि रक्सौल के विकास के लिए, रक्सौल के सम्मान के लिए, रक्सौल को पिछड़ेपन से छुटाने के लिए, रक्सौल की नदी नाली, रक्सौल की नाली सड़क के निर्माण के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ऋषिका मस्करा के पक्ष में अपार समर्थन से, बहुमत से उनको जिताने का काम करेंगे, तभी रक्सौल का कल्याण हो सकेगा। आपके साथ जो भीड़ था दिखने में एकदम जन सैलाब, आपके साथ जो उमड़ा था, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? भीड़ जो है वो मेरा कोई खरीदा हुआ बुलाया हुआ भाड़े पर आए हुए लोग नहीं थे, सब लोग लोकल समाज के, बाजार के और नगर पालिका के ही थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस स्वतः स्फूर्त आवाज़ पर पूरा समाज हमारे साथ आने का काम किया, हजारों की संख्या में आज अपार भीड़ ने जो मुझे समर्थन और प्यार दिया है, जब 3 घंटा हुए धूप में मेरे साथ चल के समर्थन के लिए पूरा रक्सौल के चक्कर लगा सकते हैं, तो ज़रूर 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 उनका परिवार, उनका समाज, सब कोई मेरे समर्थन में आएंगे। रवि जी, जातीय समीकरण बिहार में बहुत चलता है और जातीय समीकरण में तो आप पीछे चले जाइएगा, तो कैसे जंग जीतिएगा? अगर ऐसा रहता कि जातीय समीकरण बिहार में बहुत चलता है और जाति ही एक चीज़ होती है, तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। मुझे बस इतना ही कहना है। आते हैं तो क्या बूचा खाना के जितने भी दोषी हैं तो जेल के अंदर जाएंगे? अगर मैं आता हूं तो रक्सौल का विकास कैसे होगा, इस चक्कर में मैं लगूंगा। कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में विधानसभा का खाली देते और नगर परिषद में चुनाव लड़ने का आपका मुख्य मकसद क्या है? नगर परिषद में मैं नहीं, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, मैं उनका समर्थन सहयोग कर रहा हूं। मछली बाजार में पानी लगा रहता है, सब्जी बाजार में भी आपको नदी पार कर जाना, मुझे लगता है कि आप पूरा रक्सौल घूमे नहीं हैं, सिर्फ सब्जी बाजार मछली बाजार ही नहीं, मौजे चौक 18 नंबर 19 नंबर 16 नंबर वार्ड हो, नागर रोडा सब टुबरिया टोला हिरवा टोला जो भी जगह है, पुरिया टोला, उस सब जगह की एक ही नारकीय स्थिति है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो धर्मपत्नी है श्रीमती ऋषिका मस्करा, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई, एमए पढ़ी हुई है और वो चीज़ वो महसूस कर रही है और उस चीज़ से वो भी परेशान है और इन चीज़ों का उपाय वो जरूर खोज करते हैं। नगर परिषद के द्वारा रोड पर मछली बाजार लगाया जाता है ताकि मछली बाजार नगर परिषद दिया है, यदि आप आते हैं तो क्या इसमें सुधार देखा जाएगा? मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मछली बाजार, सब्जी बाजार या जो अन्य सामान्य समस्याएं हैं जिसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, उसके लिए जो सही कदम होगा वो मेरी धर्मपत्नी ऋषिका मस्करा जी जरूर उठाएंगे। बाइक लगाने का स्टैंड ही नहीं है, दिन प्रतिदिन मैं समझता हूं कि रक्सौल जैसे शहर में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शहर है, नेपाल से कस्टमर रक्सौल में अगर नहीं आए तो व्यापार दिन ब दिन घटता चला जाएगा, तो सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि पार्किंग की व्यवस्था रक्सौल में जरूर होनी चाहिए। मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी श्रीमती ऋषिका मस्करा जी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सेंसिटिव हैं और मुझे सब कामों में सहयोग करती हैं। हमारा परिवार भी पहले से सेंसिटिव है और समाज के लिए सब काम किया हुआ है। आप सभी जनता से नम्र निवेदन है कि हम लोग दलाल परिवार से नहीं हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं और समाज की सेवा करेंगे। इसलिए लोगों को पहचानिए, धर्म जाति मजहब पर, ऊंच पर नीच पर, पैसे पर नहीं जाइए और रक्सौल के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऋषिका मस्करा का सहयोग करके उनको भारी बहुत से जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।